CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ। पाठ का शीर्षक है दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है जिस इलाके में वो लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। इस वजह से यहां बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहां घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहां की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसीलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं।
तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहां लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियां भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। तीन हजार छह सौ पचास मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहां का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। दुनिया की छत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।